एमपी के रीवा जिले के त्योंथर स्थित शाह स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय त्योंथर में एनएसयूआई के छात्रों द्वारा पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य को सौंपा गया ज्ञापन। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय और छात्र नेता जसवंत सिंह के नेतृत्व में त्योंथर में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय का घेराव कर महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर प्राचार्य डॉक्टर संगीता दुबे को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्राचार्य महोदय ने जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्रा उपस्थित रहे। विवेकानंद महाविद्यालय जो है त्योंथर में, उसमें हम एनएसयूआई के साथियों द्वारा आज यहाँ घेराव करके महाविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया। यहाँ कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे एनसीसी की समस्या होती है। छात्रों को अगर एनसीसी लेना है तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रीवा शहर जाना पड़ता है एडमिशन लेने, और 100 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से समस्या होती है। पहली मांग ये थी हमारी कि यहाँ एनसीसी की व्यवस्था कराई जाए। दूसरी, यहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था है कह रही हैं मैडम, लेकिन यहाँ पर छात्रों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय में नहीं बैठने दिया जा रहा। तीसरी हमारी मांग है कि यहाँ पे बरसात के समय जल भराव की समस्या होती है, जिसकी वजह से छात्रों का आवागमन में भी समस्या होती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।